हेलो एवरीवन, दिस इज सुप्रिया। स्वागत है आपका हमारे चैनल इंस्पायर इंडिया क्लब में। फ्रेंड्स, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस सम इम्पोर्टेंट एंड ऑल द बेसिक लिगेंड्स इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड विच विल हेल्प यू इन सॉल्विंग द क्वेश्चंस ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। फ्रेंड्स, लिगेंड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड बेसिक टॉपिक विच यू शुड नो अबाउट। फ्रेंड्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सबसे पहले आपको लिगेंड्स की जानकारी दी जाती है सो दैट कि आप उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हो उसमें आप ना फंसे। तो फिर चलिए हम देखते हैं वो सारे इंपॉर्टेंट लिगेंड्स जो आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हमेशा देखते हैं, तो उनके स्ट्रक्चर आपके ध्यान में होने चाहिए ताकि आप उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को आसानी से कर पाए। और हम ये भी देखते हैं कि चलिए किस टाइप के क्वेश्चंस उन लिगेंड्स से रिलेटेड पूछे जाते हैं। सो द वेरी फर्स्ट एंड बेसिक लिगेंड इज इथाइलीन डायमाइन। इथाइलीन डाई अमाइन डिनोटेड बाई ईएन ऑल्सो। फ्रेंड्स, आपको पता है कि लिगेंड्स आर दोज केमिकल स्पीसीज विच डोनेट्स इट्स लोन पेयर टू द कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग मेटल। सो दैट इज अनदर टॉपिक। आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ लिगेंड एंड इट्स टाइप। आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू द इम्पॉर्टेंट लिगेंड्स। तो फिर इसके स्ट्रक्चर को अगर आप देखेंगे तो ये बनता है CH2 कनेक्टेड बाय NH2। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इथाइलीन डायमाइन। फ्रेंड्स, आपको पता है कि डेंटिसिटी इज द नंबर ऑफ लोन पेयर डोनेटेड बाय द लिगेंड्स टू द कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग मेटल। डेंटिसिटी को मैं डी से डिनोट कर रही हूं सो दैट मैं हर जगह डी डी से डिनोट करके बताऊंगी कि डेंटिसिटी कितना है। तो फ्रेंड्स, यहां पे आप देखेंगे कि नाइट्रोजन हैव टू लोन पेयर। तो फ्रेंड्स, यहां ईच नाइट्रोजन हैज लोन पेयर। तो फ्रेंड्स, यहां पे अगर कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग मेटल है, एम इज द मेटल एंड एन इज द चार्ज ओवर मेटल, तो फ्रेंड्स यहां पे नाइट्रोजन अपने लोन पेयर को डोनेट करता है टू द कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग मेटल। सिमिलरली फ्रेंड्स, ये भी अपने लोन पेयर को डोनेट करेगा टू द कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग मेटल। तो फ्रेंड्स, आप यहां पे देख रहे हैं कि अगर दोनों नाइट्रोजन अपने लोन पेयर को डोनेट कर देता है तो यहां पे 1, 2, 3, 4, 5 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन होता है विच इज मोर स्टेबल। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड चिलेशन। चिलेशन में फ्रेंड अगर 5 या 6 मेंबर रिंग बनता है तो वो ज्यादा स्टेबल होता है। तो यहां पे फ्रेंड्स 5 मेंबर रिंग बन रहा है तो ये ज्यादा स्टेबल है, तो इसलिए इसके डेंटिसिटी को हम लोग डिफाइन करते हैं 2। बिकॉज अगर आप दोनों लोन पेयर को डोनेट करते हैं तो आपके पास जो फॉर्मेशन हो रहा है वो 5 मेंबर रिंग का हो रहा है। और अगर आपके पास यहां पे 5 मेंबर रिंग ना बनके अगर 3 मेंबर या 4 मेंबर रिंग बनता है तो आप दोनों नाइट्रोजन के लोन पेयर के डोनेशन को कंसीडर नहीं करेंगे, आप किसी एक लोन पेयर को ही डोनेट करेंगे सो दैट कि वहां पे रिंग का फॉर्मेशन ना हो, क्योंकि वहां पे 3 मेंबर या 4 मेंबर बनेगा तो वो अनस्टेबल होता है। लेकिन 5 मेंबर या 6 मेंबर बन रहा है तो वो ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए हम लोग इसके डोनेशन को कंसिडर करते हैं। तो फ्रेंड्स, इट इज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन दैट यू आर आस्क डेंटिसिटी एंड द नंबर ऑफ 5 मेंबर और 6 मेंबर रिंग फॉर्म। तो आप यहां पे देख रहे हैं कि 5 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन 1 है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही बेसिक चीज है लिगेंड्स के लिए, तो आप इन सब चीजों को ध्यान में रखें। तो फ्रेंड्स, सेकेंड इज प्रोपाइलीन डाइअमाइन। एंड इसको शॉर्ट में पीएन भी लिखा जाता है। तो इसके स्ट्रक्चर को आप देखेंगे CH3 CH CH2 NH2 and here NH2। फ्रेंड्स, हियर ऑल्सो नाइट्रोजन हैव लोन पेयर, तो ये अपने लोन पेयर को डोनेट कर देता है टू द कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग मेटल।
मीन्स यहाँ पे ये एन मैं यहाँ पे इसे लिख रही हूँ कि यहाँ पे ये चार्ज है टू द कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग मेटल कि वो कितना लोन पेयर गेन किया है, तो मीन्स वो यहाँ पे मैटर ऑफ डिस्कशन नहीं है, हियर वी आर डिस्कशिंग द लिगेंड्स। फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे जो कार्बन है वो काइरल है बिकॉज कार्बन का चारों वैलेंसी डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा हुआ है, ये वन इज एच, वन इज सी एस थ्री एंड वन इज दिस ग्रुप एंड अनदर इज दिस ग्रुप, तो फ्रेंड्स ये कार्बन काइरल होता है। और यहाँ डेंटिसिटी टू बिकॉज दोनों नाइट्रोजन अपने लोन पेयर को डोनेट करता है टू द कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग मेटल एंड फाइव मेंबर रिंग फॉर्मेशन वन। यहां पे भी फाइव मेंबर, अगर दोनों नाइट्रोजन अपने लोन पेयर को डोनेट करता है तो फाइव मेंबर रिंग का फॉर्मेशन होता है विच इज मोर स्टेबल। थर्ड इज ब्यूटाइलीन डाई अमाइन, जिसको शॉर्ट में बीएन से भी डिनोट किया जाता है। तो आप इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे CH3, CH, CH, CH3 एंड हियर NH2, NH2। यहां पे फ्रेंड्स नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, सिमिलरली वो अपने लोन पेयर को कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग मेटल को डोनेट करता है एंड फाइव मेंबर रिंग का फॉर्मेशन होता है विच इज मोर स्टेबल। तो डेंटिसिटी इज अगेन टू, फाइव मेंबर रिंग इज वन। फ्रेंड्स यहां पे भी आप देखिए कि कार्बन का चारों वैलेंसी डिफरेंट ग्रुप से है जुड़ा हुआ है, तो फ्रेंड्स यहां पे दोनों कार्बन काइरल होता है। फ्रेंड्स नेक्स्ट आप देखेंगे ट्राइमिथाइलिन डाई अमाइन, इसको शॉर्ट में TN से डिनोट किया जाता है। इसके स्ट्रक्चर को आप देखेंगे CH3, CH2, CH2 एंड हियर NH2 इज कनेक्टेड एट द टर्मिनल पोजिशन। यहां पे दोनों लोन पेयर कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग मेटल को डोनेट करता है एंड हियर ऑल्सो हियर फाइव मेंबर रिंग की जगह आपको सिक्स मेंबर रिंग का फॉर्मेशन मिलेगा। अभी तक फ्रेंड्स आप जो भी देख रहे थे उसमें आपको फाइव मेंबर रिंग का फॉर्मेशन मिल रहा था, लेकिन यहां आप देखेंगे कि आपके पास सिक्स मेंबर रिंग का फॉर्मेशन आपको देखने मिला है। डेंटिसिटी इज सेम टू बट हियर फाइव मेंबर रिंग इज जीरो एंड सिक्स मेंबर रिंग इज वन। तो फ्रेंड्स आप यहां पे देख रहे हैं कि आप छह मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हुआ है विच इज मोर स्टेबल। आप कहीं पे भी फ्रेंड्स अगर लोन पेयर को डोनेट करते हैं तो आप यहाँ पे सबसे बेसिक चीज देखें कि वहां पे फाइव मेंबर या सिक्स मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है या नहीं। अगर फाइव मेंबर या सिक्स मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है तब आप वहां उस लोन पेयर को डोनेट करें एंड उस रिंग का फॉर्मेशन करें। अगर थ्री मेंबर, फोर मेंबर, अदर देन फाइव और सिक्स मेंबर किसी भी रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है तो आप उस लोन पेयर को डोनेट ना करें, आप सिंपली किसी एक लोन पेयर को डोनेट करें सो दैट कि वहां पर रिंग का फॉर्मेशन ना हो एंड उसके अकॉर्डिंग आप उसके डेंटिसिटी एंड जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं आप उसके आंसर्स करें। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट इज ऑक्सलेटो। फ्रेंड्स इसको आप ऑक्सलेट आयन बोलते हैं, लेकिन चूंकि मैं लिगेंड्स के बारे में बता रही हूं इसलिए मैंने यहाँ पे ऑक्सलेटो लिखा है। फिर इसका स्ट्रक्चर होता है सी डबल बॉन्ड ओ एंड दो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो ऑक्सीजन डोनेट करता है टू द कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग मेटल, डेंटिसिटी इज टू एंड फाइव मेंबर रिंग इज वन। नेक्स्ट इज ग्लाइसिनेटो GLY-1। यहाँ पे ऑक्सीजन पे एक माइनस चार्ज होता है एंड NH2 अपने लोन पेयर को डोनेट करता है, ऑक्सीजन अपने लोन पेयर को डोनेट करता है टू द कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग मेटल, डेंटिसिटी इज टू एंड फाइव मेंबर रिंग इज वन। फ्रेंड जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट फोर में बताया है आपको सारे केसेस में वही सारी चीजें देखनी है। फिर नेक्स्ट इज एसिटाइल एसिटोनेटो AC-1। फिर यहाँ पे आप देखेंगे कि ऑक्सीजन पे एक नेगेटिव चार्ज होता है,
तो यहाँ पे ये ऑक्सीजन अपने लोन पेयर को डोनेट करता है और यहाँ पे ये ऑक्सीजन डोनेट करता है टू द कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग मेटल. डेंटिसिटी इज 2 एंड यहाँ पे आप देखेंगे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ पे 6 मेंबर रिंग बनता है, 5 मेंबर रिंग नहीं बनता. नेक्स्ट इज डीएमजी जिसको आप डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो बोलते हैं. तो यहाँ पे फ्रेंड्स स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे बना दिया है. यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका जो बेस्ट जो डोनर होता है वो नाइट्रोजन होता है. आप इस साइड से डोनेट करें, हालांकि ऑक्सीजन भी डोनेट करता है लेकिन आपका जो बेस्ट रिप्रेजेंटेशन वो यही होता है. तो यहाँ पे 5 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन एक होता है एंड ये बेस्ट रिप्रेजेंटेशन होता है. आप ऑक्सीजन के लोन पेयर को डोनेट ना करके दोनों नाइट्रोजन के ही लोन पेयर को डोनेट करें. नेक्स्ट इज डाइईन, डाई इथाइलिन ट्राइअमाइन. फ्रेंड्स इसके स्ट्रक्चर को बनाने के लिए आप सबसे पहले डाई इथाइलिन का स्ट्रक्चर बना लें, इथाइलिन डाइअमाइन का, और NH2 के एक हाइड्रोजन को आप रिप्लेस कर दे बाय CH2 CH2 NH2 ग्रुप. तो ये आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा डाई इथाइलिन ट्राइअमाइन का. यहाँ पे फ्रेंड्स नाइट्रोजन 3 है, यहाँ पे ट्राइअमाइन है, तो इसमें 3 नाइट्रोजन है. तो तीनों नाइट्रोजन अपने लोन पेयर को डोनेट करता है टू द कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग मेटल एंड डेंटिसिटी इज 3. क्योंकि अगर डोनेशन के बाद आप रिंग का काउंट करेंगे तो यहाँ पे एक 5 मेंबर रिंग और एक यहाँ पे 5 मेंबर रिंग, मतलब 2 5 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन होता है. तो इसलिए डेंटिसिटी इज 3 एंड 5 मेंबर रिंग इज 2. नेक्स्ट इज ट्राइईन, ट्राइथाइलिन टेट्राअमाइन. फ्रेंड्स यहाँ पे डाइईन था और ये ट्राइईन है. तो यहाँ पे आपको सिमिलरली जैसे कि स्ट्रक्चर मैंने बताया, आपको सबसे पहले इथाइलिन डाइअमाइन का स्ट्रक्चर बनाना है, फिर आपको हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है बाय CH2 CH2 एंड NH2 ग्रुप. इस ग्रुप से आप नाइट्रोजन के एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें. तो सिमिलरली यहाँ पे चूंकि टेट्राअमाइन है तो आप एक नाइट्रोजन के यहाँ एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करें और नीचे वाले के एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करें. तो यहाँ पे आपको 4 नाइट्रोजन मिलेगा विच हैविंग लोन पेयर. तो ये चारों नाइट्रोजन अपने लोन पेयर को डोनेट करता है टू द कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग मेटल. और यहाँ पे आपको 5 मेंबर रिंग 3 मिलेगा एंड डेंटिसिटी 4. फ्रेंड्स नेक्स्ट इज नाइट्रिलो ट्राइएसीटेटो विच इज डिनोटेड बाई NTA-3. तो यहाँ पे फ्रेंड्स ट्राई एसिटेटो है, मीन्स नाइट्रोजन के साथ 3 एसिटेट ग्रुप जुड़ा हुआ है. स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल, नाइट्रोजन एंड ट्राई एसिटेटो मीन्स 3 एसिटेट ग्रुप. तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखेंगे कि नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है एंड ऑक्सीजन यहाँ पे है, तो तीनों ऑक्सीजन के पास अपना लोन पेयर होगा. तो यहाँ पे जो साइट ऑफ डोनेशन है वो 4 है, तो डेंटिसिटी इज 4. और अगर आप हर जगह से अगर आप डोनेट करते हैं तो 1, 2, 3, 4 और एक अगर कोई मेटल है यहाँ पे, तो अगर आप डोनेट करते हैं तो आपके पास जो फॉर्मेशन होता है 5 मेंबर रिंग का विच इज मोर स्टेबल. तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आपको 5 मेंबर रिंग की संख्या 3 मिलेगी और डेंटिसिटी 4. नेक्स्ट इज ऑर्थोफिनेंथ्रोलिन ओफेन, जिसको आप ओफेन बोलते हैं, उसका नाम होता है ऑर्थोफिनेंथ्रोलिन. तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, नाइट्रोजन के पास अपना लोन पेयर होता है और वो डोनेट करता है मेटल को एंड डेंटिसिटी इज 2 एंड 5 मेंबर रिंग इज 1. फ्रेंड्स आपको सिमिलरली काउंट करके सब में देखना है कि कितना मेंबर रिंग बन रहा है और उसके अकॉर्डिंग आप आंसर को रिपोर्ट कर सकते हैं. सिमिलरली नेक्स्ट इज डायरसाइन. यहाँ पे फ्रेंड्स AS के पास लोन पेयर होता है एंड ये डोनेट करता है मेटल को, क्योंकि यहाँ पे और कोई साइट ऑफ डोनेशन नहीं है. डेंटिसिटी इज 2 एंड 5 मेंबर रिंग इज 1. नेक्स्ट इज डाइपायराडिल, जो आपको कहीं कहीं DPY या फिर BPY से लिखा हुआ मिलेगा, तो उसका मतलब सेम ही होता है डाइपायराडाइल. उसका स्ट्रक्चर ये होता है फ्रेंड्स, नाइट्रोजन 2 होता है उसके पास लोन पेयर, दोनों नाइट्रोजन डोनेट करता है एंड देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ 5 मेंबर रिंग. सो डेंटिसिटी इज 2 बिकॉज बोथ नाइट्रोजन डोनेट्स. नेक्स्ट इज ट्राइपायराडिल. यहाँ पे फ्रेंड्स 3 नाइट्रोजन है, तीनों नाइट्रोजन के पास अपना लोन पेयर है एंड वो किसी भी मेटल को तीनों नाइट्रोजन डोनेट कर सकता है. तो फ्रेंड्स 5 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन होगा 1, 2 यहाँ पे, क्योंकि 3 नाइट्रोजन अगर आप डोनेट करते हैं तो यहाँ पे एक रिंग का फॉर्मेशन एंड यहाँ पे दूसरे रिंग का फॉर्मेशन. तो फ्रेंड्स ये रिंग आपको मिलेगा 5 मेंबर रिंग 2 एंड डेंटिसिटी इज 3, क्योंकि तीनों नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है. फ्रेंड्स नेक्स्ट इज EDTA, इथाइलिन डाइअमाइन ट्राइएसीटेटो. फ्रेंड्स अगर EDTA पे अगर -3 चार्ज है तो इसका मतलब वहां पे एसिटेट ग्रुप 3 है और अमाइन 2 है.
फ्रेंड्स ये सब याद करने की ट्रिक्स होते हैं. अगर आप ईडीटीए पे -3 चार्ज होता है तो वहां पे ट्राई एसिटेटो होता है, मतलब एसिटेट 3 और अमाइन 2. तो अगर 2 अमाइन है तो नाइट्रोजन 2 और ट्राई एसिटेटो मतलब 3 ऑक्सीजन. तो आपके पास जो डेंटिसिटी मिला वो मिला 5, बिकॉज 3 ऑक्सीजन अपने साइड से डोनेट कर सकता है और 2 नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर होता है तो वो डोनेट कर सकता है. और यहाँ पे जब आप डोनेट करके देखेंगे कि जैसे मैंने पिछले एग्जांपल्स में बताया है, आप सिमिलरली उसी तरह डोनेट करें एंड देखें कि कितने रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है. तो आप यहाँ पे देखेंगे कि 5 मेंबर रिंग आपको मिलेगा हर जगह. तो 5 मेंबर रिंग टोटल आपके बनेंगे 4 एंड डेंटिसिटी इज 5, बिकॉज हर जगह आप जहां से भी डोनेट करेंगे वहां से आपको स्टेबल 5 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन होता मिलेगा. सो डेंटिसिटी इज 5 एंड 5 मेंबर रिंग इज 4. नेक्स्ट इज इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसिटेटो. तो फ्रेंड्स अगर ईडीटीए पे -4 चार्ज होता है तो यहाँ पे आपको टेट्रा एसिटेटो मतलब कि 4 एसिटेट ग्रुप एंड यहाँ पे अमाइन 2 होता है. अमाइन की संख्या तो सेम होती है लेकिन यहाँ पे एसिटेट ग्रुप चेंज हो जाता है. अगर -3 है तो ट्राई एसिटेटो और -4 है तो टेट्रा एसिटेटो. टेट्रा एसिटेटो मीन्स नाइट्रोजन के साथ आपका 4 एसिटेट ग्रुप जुड़ा हुआ है. 4 एसिटेट, हर एक एसिटेट ग्रुप एक माइनस ऑक्सीजन को लेकर आता है. तो मीन्स साइट ऑफ डोनेशन 4 यहाँ से एंड नाइट्रोजन 2 है, तो इसलिए 2 नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट करेगा. सो डेंटिसिटी 6, 4 एसिटेट का एंड 2 नाइट्रोजन का. तो डेंटिसिटी 6 एंड 5 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन फ्रेंड्स आप काउंट करें वो आपको मिलेगा 5. हर जगह आप डोनेट करेंगे आपको 5 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन मिलेगा एंड 5 मेंबर रिंग मिल रहा है मतलब वो स्टेबल है. तो आपको 5 मिलेगा टोटल, आप काउंट कर सकते हैं जैसे कि मैंने बताया. तो फ्रेंड्स ये था एक कंप्लीट रिव्यू ऑन द इम्पॉर्टेंट लिगेंड्स. तो फ्रेंड्स आप इन सारे लिगेंड्स को याद रखें. ये जितने भी लिगेंड्स मैंने आपको बताए हैं वो सारे बहुत ही बेसिक्स हैं, वो आपको हर जगह देखने मिलेंगे एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इन सारे लिगेंड्स को याद करें ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना हो. सो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.